आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ जिला उधमपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्रीमान विकास शर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष श्रीमान करनैल सिंह जी, किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान गुरदयाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी राकेश जी, जनरल सेक्रेटरी राहुल जी, विकास जी, भारती शर्मा जी, आज हम यहां पर ये पत्रकार वार्ता पार्टी के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि कल जो हमारे जन संपर्क सभा के माध्यम से एक रैली का आयोजन रखा था, उस रैली को महारैली बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया है आपके माध्यम से हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, जिन लोगों ने पार्टी का दामन थामा उनका हम स्वागत भी करेंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे। आज इस पत्रकार वार्ता में बड़े गर्व के साथ, बड़े खुशी के साथ ये मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे इस पार्टी के अंदर दिन प्रतिदिन देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचने का जो अभियान पार्टी ने चलाया है, उस नाते से जनता का एक पूर्ण विश्वास मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। उस विश्वास के साथ ही उधमपुर जिला के अंदर लगातार से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन कल हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे सांसद भी हैं, वो यहाँ पर उनका आना हुआ। उनके यहाँ पर आने से पहले हमारे अशोक कोल जी, जो हमारे महामंत्री संगठन है, उनसे भी परसों हमारे सरपंच पंचों की एक अच्छी बातचीत करते हुए उन्होंने भी, कई सारे ऐसे सरपंच थे जिन्होंने उनको पूर्ण विश्वास दिया कि आने वाले समय में हम सब लोग जहाँ पर ज्वाइन करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उस नाते से कल ज्वाइन करने वालों में हमारे यहाँ पर बड़े लीडिंग लाए श्रीमान आशुतोष गुप्ता जी, हमारे स्वर्ण सिंह राठौर जी, एक अच्छे समाज सेवक के रूप में जिला उधमपुर के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ राजेश राजू जी, जो मजालता से अपनी पूरी टीम कई ऐसे सरपंचों के साथ यहाँ पर, बलवंतराज जी चाहे वो पैंथर्स पार्टी के कुछ तहसील अध्यक्ष थे, कुछ हमारे जो पैंथर्स पार्टी के वहाँ कई ऐसे पदाधिकारी थे, सब लोगों ने यहाँ पर पार्टी का दामन थामा। इसी तरीके से हमारे मक्खन सरपंच जी, जो लगातार से कई बार यहाँ पर सरपंच बने हैं, उन्होंने अपने सभी अपने बाकी साथी अपने टीम के साथ, हमारे दुर्गा जी जो कावा के सरपंच हैं, लगातार से लगभग मुझे लगता है बहुत पुराना समय हो गया जब से वो लगातार यहाँ पर सरपंच के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से दीवान सिंह जी, कई ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लेकिन आज मुझे बड़े हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे सरपंच थे उनमें लगभग 26 सरपंच जो थे जिला उधमपुर के यहाँ पर, उन्होंने कल पार्टी का दामन थामा। उन्हीं के साथ 12 नायब सरपंच और लगभग 150 के करीब जो पंच थे जिनके हम नाम ले पाए, उससे ज्यादा वहां पर उनकी ज्वाइनिंग थोड़ा कठिन था, और कई ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने हमारी पार्टी का दामन थामा, और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे जितने पार्टी के पुराने सरपंच, हमारे पार्टी के जितने भी DDC मेंबर, हमारे BDC के चेयरमैन, सब ने दिल खोल कर सबका स्वागत किया। और मैं समझता हूँ खासकर स्पेशल ये हमारा जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस महा रैली को बनाने में जो अपनी भूमिका अदा की है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो कल की रैली थी उसमें जितने भी वहां पर लोग आए, उन्होंने इतनी गर्मी के बावजूद वहां पर हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मोटरबाइक रैली से डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए उनको संसार पहले जो हमारा सभा स्थल था तहां वहां तक ले जाने का काम किया, उसके साथ हमारी मातृशक्ति बहनें, हमारे बुजुर्ग
हमारे युवा साथी सबने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस महारैली जो महासंपर्क अभियान था उस नाते से जनसंपर्क सभा को एक सफल सभा बनाने में जो अपनी भूमिका अदा की, आज पार्टी के माध्यम से एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन और अच्छा काम करेगी और समाज के अंदर एक पूर्ण विश्वास इस तरीके से बढ़ा है, मानो ऐसा लग रहा है कि आने वाले यहाँ पर विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नाम की कोई चीज बनने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात मेट जिनका नाम हुआ, ऐसी पार्टी का जिक्र करना ही मैं अपने आप में बड़ा अपमान सा महसूस करता हूँ। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भूमिका अदा की है, जो लोगों के काम किए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में जनता का विश्वास बढ़ा है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा, ये लगभग तय है। तो जनता की भी मांग है, तब तक जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। जम्मू कश्मीर में हमारी केंद्र की सरकार ने, बड़ी मजबूत सरकार ने यह कहा था कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन कंप्लीट होते यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो सकता है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन लगभग कंप्लीट है, आप किसी समय भी यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो सकती है। खजूरी जी, बात ऐसी है कि लोग तो भाजपा का दामन थामना चाहते हैं और लोग इससे जुड़े भी हैं, परंतु जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये योजना लोगों तक नहीं पहुँचा रहे, तो क्या कहेंगे आप सर यहाँ से? आज केंद्र सरकार की बनाई हुई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसा नहीं कि जनता के बीच में वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जहां पर लगभग मैं ये समझता हूं आने वाले समय में जिस तरीके से आंकड़ा सामने आ रहा है, चाहे वो सरकारी हमारे लोग ऑफिशियल जितने हैं वो लोगों के बीच में जाकर जनता तक ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जन जन तक जाकर इन योजनाओं को पूरे तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज करते हुए लोगों के गोल्डन कार्ड हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जनता तक जाने का काम कर रहे हैं। इसी कारण जनता का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये लगभग तय।